हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और ये मेरे दोनों बच्चे कुल्हाड़ी लेकर पीछे गए थे क्योंकि मम्मी कुछ काम कर रही थी पीछे, तो मंगाई थी इन लोगों से। तो विराटू आकर के कुल्हाड़ी के साथ खेलने लगे थे। तो बच्चों को यही होता है ना, जो रिस्की होता है उसके साथ ही खेलना पसंद करते हैं। लेकिन मैंने बोल दिया कि तुरंत रख दो, नहीं तो पिटाई होगी। तो सम्राट का आज स्कूल है तो इसके लिए मैंने आलू उबाल लिया है पहले से ही, और ये मैंने आटा घोल कर रख दिया है चीले के लिए। तो इसमें आटा है और थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच चावल का आटा भी मिलाया है और नमक मिला दिया है। तो इन सबको घोल कर मैं रख दूंगी थोड़ी देर के लिए ताकि अच्छे से फूल जाए। जब भी हम चीला बनाते हैं या फिर कोई आटा की पकौड़ी बनाते हैं ना, तो उसको आप 10 मिनट पहले घोल कर रख देना तो बहुत अच्छे से फूल जाता है आटा, तो बहुत अच्छा बनता है। तो इसको घोल कर हम रख दिए हैं और इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। तब तक हम चलेंगे आलू अपने छीलेंगे, जो भी रखे हैं ना, तो उनको मैंने ठंडा करने के लिए बाहर रख दिया है भगोने में डाल करके। तो फटाफट आलू छील लेंगे उसके। आलू छीलने के बाद हमने चम्मच से उसे थोड़ा से टुकड़ों में कर लिया है और उसके बाद कढ़ाई चढ़ा दी है। तो उसमें हमने डाल दिया है तेल और उसके बाद डाल रहे हैं थोड़ा सा कटा हुआ प्याज। अगर आप जीरा पसंद करते हैं तो आप जीरा भी डाल लीजिए। मेरे बच्चे जीरा नहीं खाते हैं तो इसलिए हम जीरा ज़्यादा नहीं यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ में। तो प्याज पकने के बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है, 2 कटे हुए रखे थे, और उसके बाद मटर डाल दिया है। तो इन सबको आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं सब्जी मसाला। तो मैं गोल्डी मसाला यूज़ करती हूँ, मेरे यहाँ सब लोगों को यही पसंद है। तो गोल्डी सब्जी मसाला मैंने 1 पाउच डाल दिया है। अगर आप कोई भी मसाला पसंद करते हैं, जो भी आपके यहाँ खाया जाता है सब्जी मसाला, आप उसे ऐड करें। और उसके बाद मैंने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर डाल दिया है। और भी टमाटर के गलने के लिए हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है। तो इन सबको आपस में मिक्स कर लेंगे, उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसे ढक देंगे। ढकने से टमाटर बहुत जल्दी पक जाते हैं और ऐसे अगर आप चलाते हुए पकाएंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो इनको मिलाकर मैंने थोड़ी देर के लिए प्लेट से ढक दिया था, बस 5 मिनट के लिए। देखिए टमाटर हमारे गल चुके हैं। और पूरी तरह से आपको मैश नहीं करना है टमाटरों को, अगर पूरी तरह से मैश कर देंगे तो सब्ज़ी में ये नज़र नहीं आएंगे टमाटर, तो थोड़े बहुत खड़े रहेंगे अच्छा लगेगा देखने में। तो उसके बाद हम डाल दिए हैं अपने जो रखे हुए थे आलू। तो इन सबको हम आपस में मिला लेंगे अच्छे से और थोड़ी देर के लिए भूनेंगे ताकि जो भी हमने मसाला डाला है वो आलू में भी अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। आप किसी भी चीज़ के लिए आलू फ्राई कर रहे हो, चाहे वो समोसे के लिए हो, टिकिया के लिए हो, या फिर किसी और चीज़ के लिए हो, तो हमेशा फ्लेम को मीडियम रखें। मीडियम फ्लेम पर आलू बहुत अच्छे से भुनता है, बहुत अच्छे से पकता है। तो देखिए हमारे आलू जो हैं कितने अच्छे से पक चुके हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं ये। तो चलते हैं हम आगे की प्रोसेसिंग पर। तो पहले मैंने थोड़े से आलू निकाल लिए हैं बाहर, क्योंकि ये जो बड़े बड़े टुकड़े हैं ना, इनको हम निकाल रहे हैं क्योंकि ये अभी खाएंगे इसे थोड़ा इन्हें अच्छा लगता है, ऐसे आलू फ्राई करके बनाते हैं। और बाकी जो आलू बचा हुआ है उसको हम अच्छे से मैश करेंगे। हमारे आलू अच्छे से मैश हो चुके हैं, इसको हम साइड में रख देंगे। और हम ये ले आए हैं अपने चीले का बैटर, जिसमें मैंने धनिया पत्ती डाल दी है थोड़ा सा, और इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हम सिर्फ डाल रहे हैं कलर के लिए, क्योंकि ये हल्दी पाउडर डालने से जो सिंपल सा सिंपल चीला हमारा देखने में बहुत अच्छा लगने लगता है, और दूर से देखने पर तो बिल्कुल बेसन का चीला नज़र आएगा ये। तो आप जब भी कभी चीला बनाएं आटे का, तो उसमें हल्दी पाउडर हल्का ज़रूर ऐड करें। आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत अच्छा लगता है देखने में। और आप खुद देखिएगा, ऐसे तो मैं हमेशा सिंपल सी बनाती हूँ, लेकिन मैंने एक बार हल्दी डालकर ट्राई किया था तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा लगता है देखने में। और होता है ना कि हम खाना बाद में खाते हैं कोई चीज़ है ना, तो उसे हम पहले आँखों से खाते हैं, मतलब आँखों से पसंद करते हैं। तो मेरे यहाँ जब भी कोई चीज़ पहली बनती है तो वो गौ माता के लिए बनाई जाती है। तो मैंने सब्जी निकाल के प्लेट में पहले से ही रख दिया है और उसी में ये छोटा सा चीला मैंने बनाया है, उसे भी रख देंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोहे के तवे पर बना रहे हैं चीला। तो आप जब भी लोहे के तवे पर चीला बनाएं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि तवा हमारा पूरी तरह से गर्म होना चाहिए, मतलब कि फुल फ्लेम कर दीजिए आप। पहले पूरा तवा अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर दें, उसके बाद ही आप चीले का बैटर डालें, तब वो चिपकेगा नहीं। बैटर डालने के बाद उसको अच्छे से स्प्रेड करें पूरे तवे पर, और कभी भी चीले के बैटर को पलटने की जल्दी ना करें। जब वो अच्छे से पक जाए, ऊपर जब लगने लगे कि ये अंदर से बिल्कुल पक चुका है, देखिए इसका कलर ऊपर का पूरा चेंज हो गया है,
तभी आप इसे पलटें, और कॉर्नर से धीरे धीरे पहले इसे कलछी की हेल्प से निकालें तब पलटें। बिल्कुल जैसे एक बार में आप पराठा पलटते हैं ना, कभी भी वैसे चीले को ना पलटें, नहीं तो हमारा चीला फट जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें चीला बनाते समय। वैसे तो चीला बहुत सिंपल है बनाना, लेकिन अगर आप पूरी तरीके से फॉलो नहीं करेंगे तो चीला हमारा फिर कभी भी सही से बनेगा नहीं, वो फट जाएगा या तो फिर तवे में चिपक जाएगा। और लोहे के तवे के साथ तो ये अक्सर ही प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारा जो है चीला वो चिपक जाता है। तो आप हमेशा एक दो ट्रिक आप ध्यान में रखेंगे ना, तो कभी भी आपका चीला जो है वो चिपकेगा नहीं। उसके बाद देखिए, हमने जो मसाला तैयार किया था आलू वाला, उसको मैंने आधे चीले में स्प्रेड कर दिया। उसके बाद इसका जो आधा हिस्सा है इसके ऊपर चिपका दिया है। तो ये देखिए, बिल्कुल सैंडविच जैसे हमारा नाश्ता बन गया है। बस इसको अच्छे से दो एक बार पलट करके पका लें, उसके बाद आप निकाल लीजिए। ये देखिए कितना अच्छा सा बना है। इसी तरह हम दूसरा चीला भी बना लेंगे। तो इन सबको बनाने के बाद हम बीच के कॉर्नर से इसे कट कर देंगे। तो ये सिंपल सा हमारा चीला देखिए कितना यूनिक सा बन गया है। तो आप भी कुछ ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हैं, बस लीक से थोड़ा हट कर दीजिए ना, तो चीज़ें नई हो जाती हैं। और जो भी हमारे मास्टर शेफ हम लोग देखते हैं बाहर, कहीं वो बाहर से नहीं आते हैं, हम लोग हाउस वाइफें ही घर में रहकर छोटी छोटी चीज़ों में परिवर्तन करके चीज़ों को बदल सकती हैं। और कहीं से कोई डिश बनकर नहीं आती, हम ही लोग उसे क्रिएट करते हैं एक नई डिश को। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे अपने घर पर और बच्चों को खिलाइएगा। आई होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।